इन दिनों जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज हो गई है। वैसे तो पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अक्सर राजनीति में देखने को मिलता है, कुछ ऐसी ही हलचल अब देखने को मिल रही है जम्मू कश्मीर की राजनीति में। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी पर हाल ही में एक आरोप लगाया था, जिसके बाद बीजेपी की मुश्किल बढ़ना तय है। एक रिपोर्ट देखिए। इन दिनों बीजेपी के लिए मुश्किलें हर ओर से आ रही हैं और जम्मू कश्मीर में हो रही सियासत से तो बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता मियां अल्ताफ अहमद ने बीजेपी के एक नेता का संपर्क करने का दावा किया है। अहमद ने कहा कि बीजेपी नेता खालिद जहांगीर ने 28 अगस्त को फोन कर उनसे राष्ट्रीय महासचिव राम माधव से मिलने की बात कही। उन्होंने कहा कि राम माधव मिलने मेरे आवास आएंगे। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने इस बात से साफ इनकार किया है कि वो राम माधव से मिले हैं। एनसी नेता अल्ताफ ने एक प्रेस को जारी बयान में कहा है कि उन्होंने खालिद को शुक्रिया कहा और साथ ही ये भी कहा कि उनके साथ वे कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसे में राम माधव को मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर सीधे तौर पर आरोप लगाया कि राम माधव को सलाह बीजेपी ने ही दी होगी, वे कोई ड्रामा करेंगे, मुझे परेशान करेंगे और आतंकियों को दोष देंगे। जनता सब समझ रही है। गौरतलब है कि कश्मीर में बीजेपी से नेताओं का पलायन सचल पड़ा था। एक महीने में ही 12 से ज्यादा नेता बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं, जिसका कारण घाटी में बीजेपी नेताओं की लगातार हत्या की वारदात है। हालांकि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर पुलिस अधिकारियों से बात की थी, लेकिन नेता अभी भी खौफ में है, जिसका खामियाजा कहीं न कहीं बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि अल्ताफ अहमद के दावे के बाद बीजेपी का क्या रुख रहता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।